मिस्टर केतन बिसाइड मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी बने थे। जी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। आप जो है, आपको जो वीडियोज ऑडियोज भेजे जा रहे हैं उसको सुनने का आपको समय मिल रहा है? हाँ सुनता हूँ सर मैं। अच्छा, आपको उसमें कितना सार दिख रहा है? जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि मात्र 9 दिन में हम 10-10 लोगों को जोड़कर महापरिवर्तित भारत पा पाएंगे, जहां पर कैंसर और ऑटोइम्यून जैसी डिसीज जो है विलुप्त हो जाएंगी, किसानों की आमदनी 5 गुना और श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, यहां पर ऐसे गरीब परिवार जिनके पास न शिक्षा है न हुनर है, वह जो है 2029 तक उनकी परिवार की मासिक आय 1 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी और उन्हें 50% रिवेट मिलेगा, लिहाजा उनकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी जी। और आपकी जमीन फिर से हानिकारक केमिकल से मुक्त होकर आपका जो जीवामृत है, घन अमृत है, माइक्रोब्स है, अर्थवर्म है, उनके कारण जो है फिर से जीवित हो जाएगी। उसका कार्बन कंटेंट 0.1 से बढ़कर 0.9 हो जाएगा और जो अभी हानिकारक केमिकल्स से हम थोड़ी बहुत खेती कर पा रहे हैं उससे 10-20% ज्यादा हम उपज कर पाएंगे, वो भी 1 साल के अंदर। जी सर, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो 2029 तक इस देश की 66% आबादी कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित हो जाएगी। तो इन तथ्यों को आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं और अपने देश को और अपने बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा, क्या आप प्रतिदिन देखो, हाँ, मेरा तो ये है कि हाँ, अगर कुछ अच्छा करने का अपन प्रयास करेंगे, जैसे कि आपने जो मतलब बताया है मुझे इस बारे में, क्या अगर ऐसा अपन करेंगे तो ऐसा हो सकता है, मतलब उसमें संभावना अपने को नजर आ रही है, तो बस यही है कि अगर अपन कार्यस्थल पे काम करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये काम हम कर क्यों नहीं रहे हैं जब हमें बाहरी लोगों को नहीं जोड़ना है, अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने युवा साथियों को, अपने वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। तो यदि हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि इन 21 लक्ष्यों के मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो 21 टास्क फोर्स बनाकर इसे जमीन पर उतारने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। और उन्हें 303 सीटों की जगह पूरी 543 सीटें मिल जाएंगी? मतलब 500 में मिली जाएगी, 43 का नहीं बोल सकते अपन, अगर वो उन्होंने ऐसा काम कर दिया, क्योंकि सबके लिए बेहतर काम है ना ये, अगर ऐसा कर दिया तो नहीं। यदि वो हम लोग यदि सिर्फ अपने संकल्प और शपथ का पूरा करते हैं, और जैसा कि हम बार बार समझा रहे हैं कि कैसे हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे, तो 100 करोड़ लोग जब अपने ही छत पर चढ़ के प्रार्थना करेंगे तो उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत माननीय जी में नहीं कर पाएंगे, और उन्हें अपना लाभ तत्काल दिखेगा। हाँ, तत्काल दिखेगा, सही है। तो चेतन जोशी जी, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, हाँ, क्या हम संगोष्ठी लेकर क्राइम फ्री भारत की यह वीडियो उनको दिखा रहे हैं? हाँ सर, शेयर करते हैं ना सर, कोई मतलब जो भी मुझे उसमें अच्छा बेटर लगता है तो मैं उसको शेयर करता हूँ, बिल्कुल। और मेरा थोड़ा सा अलग तरीके का निवेदन है। अच्छा जी, बताइए। मेरा कहना ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसी शिद्दत से कर रहे हैं, राइट? हम जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े रहे, जो भी हम कर पा रहे हैं आज की डेट में वैसा ही करते रहे। केवल आते जाते वक्त एक जगह रुक कर उनको 2-4-5-6-8 लोग जो भी मिल जाए उनको
इकट्ठा करके जो वीडियो आपकी आत्मा में सबसे अच्छा लग रहा है उसको साथ में बैठ के सुने और फिर उनकी प्रतिक्रिया लें, और उस प्रतिक्रिया को हम रिकॉर्ड करके टेलीग्राम ऐप के माध्यम से, जो 9425606040 नंबर है उस पर भेज देंगे, तो उसे हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी कर देंगे और उसका जवाबी वीडियो बना कर भी आपके पास भेजेंगे। और जिन लोगों को हम जोड़े उन्हें शपथकृत करें, यदि आप ये देखेंगे जो ये अभी हम आपको मैसेज भेज रहे हैं उसमें 10 लिंक है, राइट। पहली लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। उसमें बड़े विस्तार से समझाया गया है कि 21 लक्ष्य कैसे जो है जमीन पर उतरेंगे, उसका बड़ा वीडियो ऑडियो प्रेजेंटेशन वो जो है आपको वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया गया है, तो उसको हम देख सकते हैं, बाकी वीडियोस देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें ऐप को, उसको ज्वाइन करने के लिए, ऐप को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन क्राइम फ्री भारत की लिंक वहां दिख रही है, उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़ जाए। इसमें जो दूसरी लिंक है यदि हम उसे क्लिक करते हैं तो यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत मिशन की, जिसमें 5,000 से अधिक वीडियो है, उसे हम जो है सब्सक्राइब कर पाएंगे। और हम उसे यदि एक वीडियो रोज देखेंगे तो हमारा ऊर्जा बढ़ेगा, हमारा संकल्प बढ़ेगा, हमारी आशाएं बढ़ेंगी, हमारी निराशाएं कम होंगी, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात, चेतन जोशी जी, क्या आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड क्या टेलीग्राम ऐप को यूज करते हैं क्या आप? सर नहीं करता हूँ, पर अगर करना तो पड़ेगा अब, क्योंकि अब अपने को आगे बढ़ना है, कि अपने अपना काम है, तो अपने सबका ही काम है, तो अपने को कर लेता हूँ मैं उसको। मतलब पहले मैं चलाता था, पर मेरे यूजफुल लगा नहीं, तो मैंने उसको बंद कर दिया। नहीं, वो बहुत यूजफुल है। देखिए मैं उसके फायदे बताता हूँ आपको। पहला सबसे बड़ा फायदा है कि वह आपकी मेमोरी नहीं खाता है, जबकि व्हाट्सएप आपकी मेमोरी खाता है, राइट। जी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आप व्हाट्सएप में 1,000 तक का ग्रुप बना सकते हैं, इसमें 2 लाख तक का ग्रुप बन सकता है। अच्छा, 2 लाख, राइट। हाँ जी। तीसरा है कि जब आपको दूसरे जो लोग उनको जोड़ा है, यदि उनको जोड़ने का अधिकार देना है तो व्हाट्सएप में उन्हें एडमिन के पावर देना है, राइट। अच्छा, टेलीग्राम ऐप में हर मेंबर जोड़ने का अधिकार प्राप्त करता है, राइट। तो वो जो अपन 10 लोगों को संकल्पित कर रहे हैं, शपथकृत कर रहे हैं, उनको वो साथ में जोड़ता जाएगा और उनसे भी आग्रह करेगा कि वो भी जोड़ें, तो वो ये भी देख पाएगा कि उन्होंने कितने लोगों को जोड़ा है और वो उसको फॉलो अप भी कर पाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो ये तीसरा एडवांटेज होगा। चौथा जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि व्हाट्सएप में केवल हम 25 MB की फाइल भेज सकते हैं, जबकि टेलीग्राम ऐप में 2 GB की फाइल भेज सकते हैं। तो जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यदि वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी हम उसे टेलीग्राम से भेज पाए। अच्छा सर, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो यदि आपने, हाँ, आप अभी ही टेलीग्राम ऐप को जो है डाउनलोड कर लें और फिर जो तीसरी लिंक को आप क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत में जो अपराध मुक्त भारत मिशन का जो ग्रुप है उसके आप सदस्य बन जाएंगे। जी सर। तो पहले में आप ऐप के माध्यम से सदस्य बन गए, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से, और तीसरे में आप क्राइम फ्री भारत मिशन के टेलीग्राम ऐप के सदस्य बन गए, जिसमें आप बाकी लोगों को भी बड़े आसानी से जोड़ पाएंगे। जी सर, ठीक है ना। चौथा जो लिंक है उसमें 21 लक्ष्यों को का पूरा विस्तार से बताते हुए PDF फाइल, अच्छा, राइट जी। जो पांचवी लिंक है उसमें 21 विधाओं के तहत हमें कैसे सभी लोगों को जोड़ना है उसके बारे में डॉक्यूमेंट है, PDF फाइल है। अच्छा सर। जो सातवीं फाइल है उसमें जो है छठवें में वो डॉक्यूमेंट है, जिससे आप ये देख पाएंगे कि इन 21 लक्ष्यों में 9 बहुत बड़े लक्ष्य कौन से, तो वो एक पेज का PDF फाइल है। अच्छा, फिर जो है यदि माननीय नरेंद्र मोदी बाई चांस नहीं मानते हैं तो कैसे हम
ऐसे 543 लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हाँ चंद्रगुप्त घोषित करके उन्हें संसद का टिकट भी दे देंगे और उन्हें छत पर चढ़कर बिना खर्च के विजयी भी बना देंगे, तो वो उसमें कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, कैसे चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट बनेगी, वो डॉक्यूमेंट 7वें नंबर पे दिया है, ठीक है अच्छा ना। अच्छा 8वें नंबर पर चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझाई गई है, वो डॉक्यूमेंट है, राइट। और 9वें नंबर पे जो है सदस्य की शपथ है, अच्छा और 10वें नंबर पे ये समझाया गया है कि कैसे आप कहना चाहिए कि ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल फोन और या बटन वाला फोन है या मोबाइल फोन ही नहीं है, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए एक नोडल व्यक्ति का कॉन्सेप्ट लाया गया है, और वो नोडल व्यक्ति अपने मोबाइल से उनको जोड़ेगा और अच्छा 7 दिन में एक बार जो भी निर्देश हमारे होंगे वो ऐसे लोगों तक भी पहुंचा पाएगा जो कि ऐप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, जिनके पास या तो मोबाइल फोन ही नहीं है या बटन वाला मोबाइल फोन है, मतलब एंड्रॉइड फोन स्मार्टफोन नहीं है। तो हाँ जी इस प्रकार हम हर किसी को जोड़ पाएंगे और 10वें दिन हम बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। देखिए अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी बजट स्पीच में और सभी पेपरों में छपा हुआ है कि हाँ 80 छपा है करोड़ हाँ लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हाँ ये अच्छी बात है या दुर्भाग्य का विषय है? दुर्भाग्य का है क्योंकि भैया आप मतलब आप भी 10 साल से बैठे हुए हो ना, आप आज भी मतलब रोटी के लिए मतलब जनता आज भी रोटी के लिए मर रही है, मतलब पेट उसके लिए इतना वो हो गया है क्या, तो अब ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। तो जब जो है हम लोगों को समृद्धि बांट सकते हैं तो हाँ फ्री राशन बांटने की क्यों जरूरत है? सही है सर दूसरी बात है, जब हम हर किसी के डिजाइनर हाउस बना पाएंगे और उसे पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं बनाना होगा, तो ये पीएम आवास योजना क्यों? और टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पर विज्ञापन छपता है जिसमें एक महिला का फोटो रहता है, और उसमें ये कहा गया है कि ये महिला और लोग खोजी पत्रकार उस महिला के यहाँ पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उसको कोई आवास नहीं मिला है। अच्छा सर क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं दुर्भाग्य है कि टाइम्स जी ऑफ सर इंडिया बिल्कुल जैसे पेपर के फर्स्ट पेज पर माननीय अच्छा प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस व्यक्ति जिस महिला का फोटो छापा जा रहा है अच्छा और वो झूठा है, उसे कोई आवास गृह नहीं मिला है, क्या ये अत्यंत ही लज्जाजनक और नहीं शर्मिंदगी की बात नहीं है? सर जिन लोगों ने ऐसा विज्ञापन छापा है माननीय नरेंद्र मोदी जी को उन्हें निलंबित करके जेल नहीं भेजना चाहिए, क्यों क्योंकि भेजेंगे। उससे हाँ है? हाँ जी क्योंकि बोलिए उससे उनकी प्रतिष्ठा पे जो है ना प्रतिष्ठा। धब्बा हाँ लगा सही है ना। है सर यदि हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर सकते हैं वो भी बिना ज्ञान बांटे, और उनके खेत पर जो है बिना भुगतान किए मजदूर भी पहुंच जाएंगे, बीज भी पहुंच जाएगा, उनकी फसल भी कट जाएगी, क्वालिटी चेक हो जाएगा, पैकेज हो जाएगा, और उनका खाद्यान्न खेत से निकलते ही उन्हें 1 MSP मिल जाएगी और उन्हें मंडी की जो है ना भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगी। यदि ये संभव है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये आज ही क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल तो इसके मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं चेतन जोशी जी। अब सवाल ये है कि हम फॉरवर्ड करने के साथ साथ लोगों को इकट्ठा करके जोड़ें, उन्हें शपथ दिलाएं, और वो लोग बाहरी लोगों को ना जोड़ें, वो लोग अच्छा अपने लोगों को जोड़ें, अपने लोग। हाँ ठीक है सर समझ सबसे रहा हूँ। पहले अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, आसपास के युवाओं को, आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, और जिन संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं उन संस्थाओं के लोगों को ऊर्जा कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर हमको जोड़ना चाहिए। ठीक तो क्या चेतन जोशी जी, मैं ये अपेक्षा करूं कि ये महाअभियान आप आज से ही चालू कर देंगे? हाँ सर बिल्कुल, ये तो मैं आज से शुरू कर दूंगा है और ना। यदि हम ये करेंगे और शपथकृत करके सिर्फ अपना काम करते जाएंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के हम हाथ मजबूत कर पाएंगे, उन्हें 303 की जगह 543 सीटें दिला पाएंगे, राहुल गांधी समेत सभी लोग स्वयं पराजित हो जाएंगे, और सही है जैसा सर आप कह रहे हैं कि 2-4-5 सीट निकल भी जाएंगे तो कम से कम 500 तो उन्हें मिल ही जाएंगे।
ये ऐसे मैं आप मेरी बात को नहीं समझ पाए थे क्या? मैं ये बता रहा था कि अगर अपन ने वाकई में ऐसा काम कर दिया, जैसे अपन जैसे आपने ये सब बनाए हैं, आपने जो ये योजनाएं बनाई है टेक्नोलॉजी को, आप मुझसे बेटर समझते हो क्या? आपने जो मतलब सोल्यूशन दिए हैं उसके लिए कि भैया ये काम ऐसे हो सकता है, अगर उन्होंने किया ऐसा तो मैं 500 की बात कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं अभी नहीं की बात नहीं कर नहीं रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम छत पर चढ़ेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये महसूस होगा कि उन्हें 500 या उससे अधिक सीटें मिल सकती हैं, तो एक अच्छे नेता होने के साथ वो तो ये चाहेंगे कि ऐसा हो जाए और इससे देश का बिल्कुल भला भी हाँ हो जाएगा। हाँ सर सही है, लेकिन ये तभी होगा जब जब हम अपन सब काम अपने से करेंगे। अपने लोगों को जोड़कर शपथ लिख करके हम 9 दिन में 100 करोड़ लोगों का चमत्कार, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है, जिसमें 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, अच्छा केवल ठीक नौ है। करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को, 20 लोगों को, 9 लाख लोगों को, 30 लोगों को, 90 हजार लोगों को, 40 लोगों को, 9 हजार लोगों को, 50 लोगों को, 900 लोगों को, 60 लोगों को, 90 लोगों को, 70 लोगों को, और 9 लोगों अच्छा को, 80 लोगों को, केवल एक मैथिली सैनिक गुट को 90 लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने ऑलरेडी 1490 लोगों को जोड़ दिया है। हाँ वो तो सबको पता है। हाँ ठीक है ना? तो सर यदि हम संकल्प से ये काम करेंगे तो क्या 21 महालक्ष्यों वाले भारत के लिए क्या हम केवल जुड़ नहीं सकते हैं? यदि जुड़ जाएंगे तो 90% काम हो गया। हो जाएगा सर बिल्कुल। यदि हमने 10 लोगों को जोड़ लिया तो 99%, यदि सही है हमने सर। 20 लोगों को जोड़ दिया तो 99.9%, यदि हमने 30 लोगों को जोड़ लिया तो 99.99%। जी सर। अच्छा तो सर एक एक डाउट था, ये था कि हाँ, जैसे कि अपने देश में तो कई भाषाएं बोली है, जैसे दक्षिण के देश में वहां तो ये हिंदी हिंदी का कुछ प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं है, तो अपन वहां के लिए भी आप नहीं कुछ तो कर ऐसे लोग जो कि हमारी भाषा समझ रहे हैं, वो अपनी भाषा में वीडियो बनाकर और उसको उससे लोगों को जोड़ना चालू करें। अच्छा नहीं अपने बात यहाँ तो कोई समझे? दिक्कत नहीं है। हाँ अपने एमपी में तो कोई नहीं नहीं दिक्कत नहीं नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग कई भाषाओं को जानते हैं, राइट, अच्छा हाँ और जी सर। अपने लाभ के लिए वो इसी के वीडियो कर सकते हैं, इसकी डबिंग बना सकते हैं, अपना वीडियो हाँ बना सकते हैं हाँ और अपने सर लोगों को शपथ दिला सकते हैं। हाँ सर ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है सर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो परिवार के लोगों को जोड़ता हूँ, फिर मित्रों को भी इस बारे में सबको उनको अवगत कराता हूँ कि भैया जुड़ना है और थोड़ा ध्यान रखना है, बस ये है, कुछ भी नहीं है क्या, मतलब सबके सबका ही काम है अपना, देखिए, है ना। सबसे सबसे बड़ी बात है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपका चिंतन है, हम उसे बदल नहीं रहे। सही है सर। दूसरी बात है कि यदि आप किसी के अंधभक्त और दल गुलाम हैं तो आप बने रहिए, हम आपको वो भी बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। हाँ हमारा कोई आप अप राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ, आप अपने तरीके से जो कुछ भी कर रहे हो देश हित में, समाज हित में, वो अपने हाँ। अंदाज में करते रहिए, हम उसे करते रहिए। सपोर्ट ही करेंगे, आपको सही है। बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ सर। हम सिर्फ अपने लोगों को शपथकृत करके जोड़ने के लिए कह रहे हैं और 9 दिन में चमत्कार कर महापरिवर्तित भारत आपको दे रहे हैं, जी सर और हाँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 303 की जगह 500 या उससे अधिक सीटें जिताने का आश्वासन भी दे रहे हैं, और साथ में जो है यदि वो नहीं मानते हैं तो ऐसे लोग जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है उनको टिकट दे देंगे और छत पे चढ़कर उन्हें जिता देंगे। फिर जो सही है काम सर। माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे वो मैथिली हाँ सैनिक गुप्त कर देंगे। सही बात है सर बिल्कुल सर। जब हाँ मैथिली सैनिक गुप्त ने हाँ मॉडल बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई है हाँ और सर जमीन पे उतारने का पूरा सिस्टम बनाया है, और हाँ किसी कारण से यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे समझने के लिए तैयार नहीं है तो हमारी क्या मजबूरी? सही है सर। फिर यहाँ अपने को मैदान में उतरना पड़ेगा, फिर क्या जमीनी पर अपने को उतर उतर नहीं, के करके उसमें कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। करना है। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, जिन लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है उनको टिकट दे देंगे, जी सर हम वीडियो बना के लोगों को छत पे चढ़ा देंगे, और अपने अपने क्षेत्र के जो भी चंद्रगुप्त हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया गया है, सब हाँ लोग रोज जो है ना ऊपर चढ़ के शपथ देंगे और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन वोट दे देंगे। ओ सही है। तो आप बताइए, क्या उसको
खड़ा होने में जीतने में किसी तरीके का कोई खर्च लग रहा है क्या? नहीं लग रहा सर, उसकी जीतना जीत सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। और फिर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया वो हम खुद पार्लियामेंट में बैठ के कर देंगे, इसमें कोई बिल्कुल दिक्कत कर है दे, क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चेतन जोशी जी के आपसे अपेक्षा करूं कि आज से आप अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे जी और सर, बिल्कुल बिना बिल्कुल नादा किए जो काम आप कर रहे हैं उसे करते रहेंगे, बिल्कुल सर, केवल अपने से जुड़े लोगों को बीच में जाकर उनको इकट्ठा करके उनके साथ में वीडियो सुनकर उन्हें शपथ दिलाते हुए और उनका शपथ उनको याद दिलाते हुए 9 दिन की मेहनत करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, ऐसा करके हम अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे जी सर, और हमें जो है 80,000 लोगों को ये फ्री राशन नहीं बांटना होगा, नहीं बांटना होगा, हमें पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं देना होंगे, जी हमें जो है डिजाइनर हाउस उन्हें बनवाने की शक्ति प्रदान कर पाएंगे जी सर। जो अभी ये फ्री भी बांट रहे हैं 3,000, 5,000, 6,000, उसकी जगह हम रोजगार गारंटी बांटेंगे, उन्हें हुनर देंगे, टूल्स देंगे, आवागमन का साधन देंगे और वो नौकर की बजाय वो जो है सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे और उनकी न्यूनतम आमदनी 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी न्यूनतम, और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। आपकी मिट्टी फिर से जो है वो जीवित हो जाएगी और आप कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज की विभीषिका से बच पाएंगे और आपको अपने जीवन और आत्मा के लिए जिसके लिए आपने शरीर धारण किया है संभवतः वो आध्यात्मिक कार्य के लिए भी आपके पास समय बचेगा जिससे आपका जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल। अल्टीमेटली हमने जन्म क्यों लिया? हाँ, मोक्ष के लिए, खाना पीने और नोट कमाने के लिए तो नहीं लिया। नहीं सर, नहीं सर। तो जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन होंगे, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी, निरोगी और दीर्घायु होंगे और थोड़ा समय भी होगा तो हम निश्चित रूप से अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा को भी पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल सर, सही है कि नहीं? जी सर। चलिए तो चेतन जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको पूरी शक्ति के साथ तत्काल करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि, जय गुरु।